नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो हाल फिलहाल में कल के दिन ही एएलपी की नई वैकेंसी आई है जिसके ऊपर आपकी नजर पड़ी गई होगी, बहुत ज्यादा वायरल हो गई है वो चीज भी, मतलब कि सबको ये चीज का पता लग गया है कि भाई एएलपी की नई वैकेंसी निकली है। इतने टोटल पोस्ट निकले हैं तो 5,696, मतलब कि 5,696। अब यहाँ पर इतनी वैकेंसी तो निकल चुकी है, लेकिन तब भी इसके बावजूद यहाँ पर ट्विटर में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि भाई वैकेंसी को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेलवेज में वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हालत चल रही है और लगातार यहाँ पर जो इंडियन रेलवेज का स्टाफ है वो ज्यादा काम करने की वजह से परेशान है, क्योंकि स्टाफ जो है वो बहुत ज्यादा कम है इंडियन रेलवेज में, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम है। अब देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ों की बात तो मैं आपको फिलहाल नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए तो मुझे आरटीआई लगाना पड़ेगा, मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसमें कि मुझे रेलवे से पूछना पड़ेगा कि भाई कितनी पोस्ट रिक्त है, तो उससे मुझे ये चीज की पता लग पाएगी। लेकिन तब भी जितनी जानकारी मुझे है उसके हिसाब से मैं ये चीज जरूर से जानता हूँ कि भाई पहले जब गाड़ियां कम थी और उसके हिसाब से जितनी भी पोस्ट रखी गई थी इंडियन रेलवेज में एएलपी की या फिर नॉर्मल जितने भी लोको पायलट्स हैं उन सब की, तो उससे भी आज लोको पायलट्स बहुत ज्यादा कम है। और आज आप ये चीज को समझ सकते हैं कि गाड़ियां और ज्यादा बढ़ गई है, मतलब कि जहां उल्टा लोको पायलट्स को और बढ़ाना चाहिए था, रेलवे के स्टाफ को और बढ़ाना चाहिए था, अब यहाँ पे सिर्फ मैं लोको पायलट्स की ही नहीं बाकी भी जितना स्टाफ है उनकी भी बात करूंगा कि भाई उनको भी यहाँ पर बढ़ाना चाहिए था, तो उसमें बढ़ाने की जगह यहाँ पर रेलवे स्टाफ को कम करा जा रहा है लगातार। और कम करने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली नौकरी से निकाल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि भाई धीरे धीरे लोग रिटायर होते जा रहे हैं और नई वैकेंसी नहीं निकल रही है, जिससे कि बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। जो भाई नए लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर उतने आ नहीं पा रहे हैं, और जो लोग फिलहाल करंट में जो सरकारी जॉब कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज यहाँ पर मैं एकदम खुल के ही बात कर रहा हूँ और आपको ये चीज मुझे बताना बहुत जरूरी है कि भाई यहाँ पर इंडियन रेलवे के स्टाफ बहुत ज्यादा परेशान है। खासकर अगर मैं आपको लोको पायलट्स की ही बात करूं तो ये लोग अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा काम करने के लिए मजबूर है। इनकी नॉर्मल ड्यूटी जो है 8 घंटे की होना चाहिए, लेकिन उसको बढ़ा के 12 घंटे तक के इनसे काम कराया जाता है, जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इस चीज का इनको पैसा नहीं मिलता, इनको पैसा खूब है, सबसे ज्यादा वाइट सैलरी वाली एक लगभग ये जॉब है, लेकिन आपको काम भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा और रिस्क भी इसमें बहुत ज्यादा रहता है। और यहाँ पर जो हमारे रेलवे स्टाफ है, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई इतनी सारी गाड़ियां बढ़ रही हैं, लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस बढ़ा रहे हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस अभी बढ़ा रहे हैं, एक के बाद एक नई नई गाड़ियां यहाँ पर लॉन्च हो रही है, और मालगाड़ियों का तो पूछे ही मत, मालगाड़ियां तो अनगिनत चल रही है, मतलब इतनी ज्यादा मालगाड़ियां चला रहे हैं जिससे कि यहाँ पर इकोनॉमी को तो फायदा हो रहा है, रेलवे को भी फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चलाने वाले तो भैया वही सारे स्टाफ हैं और कम स्टाफ है, मतलब कि जितनी पोस्ट पहले नॉर्मल होनी चाहिए उनसे भी यहाँ पर कम स्टाफ है, और अभी आपको पोस्ट और बढ़ाना चाहिए तो बल्कि वो भी नहीं बढ़ रही, वैकेंसी नहीं निकल रही है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 5,696 की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इसके पहले अगर 2018 की बात करूं मैं, तो उस टाइम पर 64,000 की वैकेंसी निकली थी लगभग, वैसे उसमें टेक्नीशियन भी शामिल थे एएलपी के साथ में, लेकिन तब भी आप सोच सकते हैं कि कहां 64,000, और आज आप देखेंगे तो सिर्फ 6,000 भी यहां पर वैकेंसी नहीं निकली है, सीधा मतलब लगभग 10 गुना का नुकसान, इतनी कम यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर एलआरसा का एक लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एलआरसा का मतलब है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, तो ये एक यूनियन है सारे लोको पायलट्स का, तो इन्होंने एक लेटर यहां पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लिए लिखा था कि भाई यहां पर लोको पायलट्स बहुत ज्यादा परेशान है और वैसे ही स्टाफ की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर 16,373 पोस्ट जो है खाली है इनके हिसाब से, मतलब कि 16,000 पोस्ट यहाँ पर खाली ही है, जो पहले इतना स्टाफ होना चाहिए था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मतलब अभी तो यहाँ पर और ज्यादा खाली पोस्ट होंगी, उसकी तो गिनती यहाँ करी नहीं है रेलवे ने, लेकिन पहले के हिसाब से 16,373 पोस्ट खाली है, और उसमें से भी जो नई वैकेंसी निकली है वो निकली है सिर्फ और सिर्फ 5,696 की। अब आप सोच सकते हैं कितना कम ये हो गया है। और इस लेटर में भी यहाँ पर यही लिखा गया है कि भाई लोको पायलट्स बहुत ज्यादा परेशान है, उनको ना रेस्ट मिलता है प्रॉपरली, जो वीकली रेस्ट रहता है वो तक के नहीं देते हैं, नाइट करने पर यहाँ पर मजबूर है, ज्यादा ड्यूटी लगातार यहाँ पर एक तो उनकी ज्यादा हो रही है, ऊपर से बीच में रेस्ट नहीं मिलता है, जैसे ही वो लोग अवेलेबल होते हैं तुरंत ही उनकी दोबारा ड्यूटी लग जाती है, जिस कारण से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है नौकरी करते हुए, खासकर जो मालगाड़ी के लोको पायलट है वो लोग। और उसके बावजूद यहाँ पर जो वैकेंसी है वो नहीं निकल रही है, और 2018 के बाद यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर एक तो वैकेंसी निकाली है और वो भी इतनी कम। और ये तो मैंने आपको बस एक एलआरसा का लेटर दिखाया है जो कि इन्होंने लिखा है, इसके अलावा लगभग हर जोन हर डिवीजन में जितने भी यूनियन है लोको पायलट्स के, सब यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं कि प्लीज यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाइए। ट्विटर पर भी लगातार ये चीज की हैशटैग चल रही है कि भाई वैकेंसी को इंक्रीज करिए, और वैकेंसी इंक्रीज होनी भी चाहिए। जो लोग यहाँ पर रेलवे में आना चाहते हैं या फिर जो लोग सरकारी जॉब के सहारे रहते हैं, जो भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी आगे आप ये समझिए कि आखिर लोको पायलट बनना कैसे है, तो चलिए इस चीज को समझते हैं कि भाई आगे इसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो एएलपी के एग्जाम के लिए सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी समझिए, भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए या फिर आप कब एलिजिबल है इस पेपर को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 3 कोर्सेज हैं जिसको अगर आपने किया है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं लोको पायलट के लिए अप्लाई करने को। अब सबसे पहला ट्रेड इसमें आता है 10th+ ITI, तो अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरा यहाँ पर आता है 10th प्लस डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक, और तीसरा यहाँ पर आता है बीई या फिर बीटेक, मतलब कि आपने अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज भी कर रखी है तो फिर आप यहाँ पर एएलपी के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया इस चीज को कि भाई कौन कौन एलिजिबल है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखने के लिए ज़रूरत है, और वो ये है कि इसमें कंप्यूटर साइंस और सिविल के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इन तीनों में से कोई भी चीज़ कंप्यूटर साइंस या फिर सिविल में करी है तो फिर वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉट एलिजिबल है। तो वैसे लोग कृपया इस फॉर्म को ना ही भरें। और यहाँ पर एज क्या है एलिजिबिलिटी की, तो देखिए 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो लोग हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं आराम से। इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का है, एक्स सर्विस मैन को 3 साल आफ्टर सर्विस का है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का रिलैक्स सेशन है, रेलवे स्टाफ जो ग्रुप सी और डी है तो उनको भी यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें 40 साल तक के अनरिजर्व्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी में 43 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी में 45 साल की उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं रेलवे कैंटीन में भी जो लोग काम करते हैं तो उसके लिए भी 5 साल आफ्टर सर्विस यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है एज का। और अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स जान लीजिए कि भाई कब से यहाँ पर शुरू होगा फॉर्म फिलिंग और कब खत्म होगा। तो देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 20 जनवरी, मतलब कि 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी 20 फरवरी, तो सीधा 20 फरवरी तक के इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन भी रखा गया है, जो कि एक नई चीज है यहाँ पर रेलवे में। इसके पहले कोई भी पेपर में डेट ऑफ मॉडिफिकेशन नहीं रहता था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन रखा गया है, और इसकी डेट 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। तो इस बीच आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने पेपर को। अब इसके बाद यहां पर दो पेपर होते हैं, जिसमें पहला है CBT 1 और दूसरा है CBT 2। अब CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहां पर दो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जिन दोनों को आपको पास करना है तभी आप असिस्टेंट लोको पायलट बन पाएंगे। अब इसमें जो सबसे पहला पेपर होता है CBT 1, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो देखिए उसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स या फिर GK पूछा जाता है। अब अगर क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल 75 क्वेश्चन इसमें होते हैं, जिसमें से 20 मैथ्स के हैं, मतलब कि 20 मैथ्स के, 25 यहाँ पर रीजनिंग के हैं, 20 यहाँ पर साइंस के हैं और 10 यहाँ पर करंट अफेयर्स या फिर GK के हैं, मतलब कि जनरल नॉलेज के हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो रहता है, जिसमें कि टोटल 75 क्वेश्चन है, एक घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका +1 मार्क हो जाएगा, मतलब कि आपको एक मार्क मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं कोई भी क्वेश्चन तो आपका -1/3 होगा या फिर 0.33 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम रहेगा। इस बार यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है और वही क्वेश्चन करें जो आपको सही लगे, वरना आपके मार्क्स कम भी होंगे। तो यहाँ पर आपने CBT 1 के बारे में जान लिया। अब इसमें टोटल कितने लोग अप्लाई करेंगे, मतलब CBT 1 में, तो देखिए लगभग 30 लाख से लेकर 35 लाख लोग, मतलब कि 30 लाख से लेकर 35 लाख लोग तक के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना अनुमान है कि भाई इतने लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई रेलवे की नौकरी सबको पसंद है और सब लोग सोचते हैं एएलपी की जॉब तो बहुत अच्छी रहेगी, तो हर कोई यहाँ अप्लाई करना ही चाहता है उस चीज के लिए। और अगर कम भी लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तब भी आप मान लीजिए कम से कम 20 लाख लोग तो यहाँ अप्लाई करने ही वाले हैं। तो इतने सारे लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और इसमें से जो ऊपर के कुछ लोग हैं तो वो CBT 2 के लिए जाएंगे। अब CBT 2 के लिए कौन से लोग जाने वाले हैं, तो देखिए टोटल यहाँ पर 5,696 वैकेंसी निकली है, तो इसका टोटल 15 गुना, मतलब कि इसका जो 15x जितना अमाउंट है, तो उतने ही यहाँ पर CBT 1 क्वालिफाई करेंगे लोग। तो 5,696 का 15 गुना अगर हम करें तो लगभग यहाँ पर 90,000 आता है। तो जो टॉप के 90,000 लोग हैं तो वो यहाँ पर CBT 1 से पास होकर CBT 2 में जाएंगे। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि आपको CBT 1 को ही क्वालिफाई करने के लिए 20 लाख 30 लाख लोग में से टॉप 90,000 में आना है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। CBT 1 में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना है, ताकि आप CBT 2 में जा पाएं, वरना आप यहीं पर ही अटक जाएंगे। तो ये सब सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करते रहें और CBT 1 के लिए प्रैक्टिस करते रहें। और अब ये पेपर कब होगा, तो देखिए मई या जून में पेपर होगा, अभी भी आपके पास 5 से 6 महीना है, तो आराम से आप तैयारी कीजिए अच्छे से। और जैसे ही CBT 1 मान लीजिए अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो CBT 2 में क्या होगा, तो देखिए CBT 2 में भी दो पार्ट है, पहला है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। अब जो पार्ट ए होता है तो ये मेरिट के लिए रहता है, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आप जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे उतनी ज्यादा आपकी मेरिट रहेगी। अब इसमें सबसे पहले पार्ट ए में आता है मैथ्स पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछा जाता है यहाँ पर 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस हो गया, उसके साथ EVS और ED, इन तीनों के लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ईडी का मतलब यहाँ पर हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब भाई अगर आपने बीटेक करा है तो फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट रहता ही है, और बहुत आसान इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस चीज की ज्यादा टेंशन मत लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है GK या फिर करंट अफेयर्स, मतलब कि जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स, इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने रहेंगे। और इसमें भी मार्क्स का वैसे ही है, अगर आप सही करते हैं तो आपको +1 अवार्ड होंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो आपको -1/3 या फिर 0.33 कट जाएंगे। तो ये जो पार्ट ए है ये आपने समझ लिया कि ये आपकी मेरिट के लिए रहेगा, और वहीं जो पार्ट बी है ये टेक्निकल एग्जाम रहेगा। अब टेक्निकल एग्जाम का मतलब क्या है,
तो देखिए इसको आपको बस क्वालिफाई करना रहेगा, इसमें आप ज़्यादा मार्क्स लाए या कम लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपको बस क्वालिफाई करना है। तो देखिए ये जो पेपर रहेगा ये ट्रेड स्पेसिफिक पेपर रहता है, जिसमें कि आपने जो भी डिग्री करी होगी या फिर जो भी आपने जिस ट्रेड पर भी डिग्री करी होगी तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलग से आपको और कुछ नहीं पूछेंगे। तो देखिए टेक्निकल वो है जो कि आपने पढ़ाई करी है तो उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, और पार्ट ए में आप समझ गए कि मेरिट के लिए रहेगा। तो पार्ट ए के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि भाई इसमें तो भाई बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाए। इसमें आपके जितना ज्यादा अच्छा स्कोर रहेगा उतना ही ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे एएलपी को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि सीबीटी 2 में भी 90,000 लोग में से सिर्फ और सिर्फ 6,000 लोग ही आगे के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा तगड़ा है इस बार। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, अब जो सीबीटी 1 रहेगा ये तो ऑल ओवर इंडिया लगभग जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उन सब से आपका कंपटीशन रहेगा और उन सब से आपको ज़्यादा परसेंटाइल लाना है जिससे कि आप उस सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर पाएं। लेकिन सीबीटी 2 में अप्लाई करने के लिए आपको एक आरआरबी चूज करना पड़ेगा। अब आरआरबी क्या है भाई? तो आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, जिसमें से ये आप उनकी लोकेशन भी देख पा रहे होंगे, अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालडा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी किसकी वैकेंसी निकली है और किस जोन में यहाँ पर भर्ती कर रहे हैं। अब जैसे कि पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे जोन के लिए भर्ती कर रहा है, जिसमें से अनरिजर्व 95 सीट्स है। एससी कोटे की यहाँ 37 सीट है, एसटी की 17 है, ओबीसी की 65 है, ईडब्ल्यूएस की 24 है, और टोटल यहाँ पर 238 यहाँ सीट्स हैं। और ये ईएक्सएसएम मतलब कि एक्स सर्विसमैन, तो इसकी भी यहाँ पर 24 सीट दी गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे आरआरबी दिए गए हैं। अब इसमें से आपको जिस जगह पर भी जाना है तो उसकी वैकेंसी के हिसाब से आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी वैकेंट प्लेसेस है उसके हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है, और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ उस आरआरबी में आपका कंपटीशन अब यहाँ पर सीमित हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब मतलब आप यहाँ पर ये मत समझिए कि सीबीटी 2 में 6000 लोगों का कंपटीशन डायरेक्टली पूरा ऑल ओवर इंडिया है। अब यहाँ पर ये कंपटीशन इस चीज पर डिपेंड करेगा कि ये जो 90,000 लोग हैं ये किस आरआरबी में किस जोन में अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए यहाँ पर आप अगर बिलासपुर आरआरबी में देखेंगे तो यहाँ पर एससीसीआर मतलब कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है, मतलब कि 1,192। तो यहाँ पर हो सकता है अगर कम लोग अप्लाई करेंगे तो आपका चांस उतना ही ज्यादा हो जाएगा इसमें जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है। और वहीं जस्ट उसके ऊपर में बिलासपुर में सेंट्रल रेलवे जोन का देखें तो इसमें आप देख सकते हैं बस 124 सीट्स के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। तो अगर आप उस 124 सीट के लिए अप्लाई करेंगे सेंट्रल रेलवे में तो फिर हो सकता है वहां पर जितने भी लोग हों उसके हिसाब से आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाए और कट ऑफ भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए आपको इस चीज पर डिपेंड करेगा कि भाई कहां पर किस आरआरबी में कितने लोगों ने भरा है, और उसी हिसाब से लास्ट में जितने भी मार्क्स आपके आएंगे सीबीटी 2 में तो उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, जिससे कि आप यहां एएलपी बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। वैसे तो आप सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यहां पर एससीसीआर का ही देख रहे होंगे, मतलब कि बिलासपुर आरआरबी में, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंट सीट उधर ही है। इसके अलावा यहां पर अगर आप सिकंदराबाद में देखें साउथ सेंट्रल रेलवे में तो फिर वहां पर भी लगभग 559 की वैकेंसी है, जो कि थोड़ी ज्यादा है। अगर आप यहां मुंबई आरआरबी में देखेंगे तो यहां भी आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे में 411 वैकेंसी निकली है। तो यहाँ हर जगह लगभग ऐसा ही है, आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए इस टेबल को और उसके बाद ही आप सोचिएगा कि आप किस आरआरबी में अप्लाई करेंगे, ऐसे ही एकदम से अपने मन से मत कर दीजिएगा। और अगर आप सोचते हैं कि भाई आप ज्यादा पढ़ने वाले हैं तो फिर आप अपने घर के आसपास वाले आरआरबी में भी चूज कर सकते हैं, जहां पर कॉम्पिटिशन ज्यादा भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान जरूर से रखना है कि कहां पर कितनी वैकेंसी है और किस हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर आपने सीबीटी 2 के बारे में भी समझ लिया और सीबीटी 1 के बारे में भी समझ लिया, जिसमें से सीबीटी 1 को आपको बस क्वालिफाई करना है और सीबीटी 2 के पार्ट बी को भी क्वालिफाई करना है और पार्ट ए से आपकी मेरिट बनेगी। और मान लीजिए अगर आप एएलपी बन जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा? तो देखिए उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो क्या वो सही है कि नहीं है, तो इस चीज को वेरीफाई किया जाता है। और इसमें जो लोग भी गलत डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो उनको तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाता है, उनके बारे में कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं होती, तुरंत ही उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में यहां पर होता है मेडिकल, मतलब जैसे ही अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाए तो लास्ट में आपका मेडिकल होता है। और एएलपी के मेडिकल को आप ऐसा वैसा मत समझिएगा, सबसे हार्ड मेडिकल रहता है ये, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर रहना चाहिए आपका, तभी आप एएलपी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या एग्जामिनेशन यहां पर होता है A1 में, और इन सब एग्जामिनेशन में आपको फिजिकली फिट पाया जाना जरूरी है। अब इसमें सबसे मेन चीज तो ये है कि भाई आपकी आंखों में चश्मा नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, आपकी विजन एकदम अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आप कलर ब्लाइंड ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये दोनों में से एक भी चीज है तो फिर आप सबसे पहले ही हटा दिए जाएंगे। बाकी भी यहाँ और चीजें हैं जिसका कि आप टेस्ट देख सकते हैं, लेकिन मेन चीज यहाँ पर यही है
है कि अगर आपको चश्मा है तो फिर आप ALP नहीं बन सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि भाई आपको लोको पायलट कैसे बनना है। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 6 साल के बाद यहाँ पर वैकेंसी निकल रही है। लास्ट टाइम जैसा कि आप जानते हैं 2018 में वैकेंसी निकली थी, तो उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग बेरोजगार होंगे वो सबको यहाँ पर अप्लाई करने वाला है। और ऐसा मत समझिएगा कि किसी की तैयारी कम रहने वाली है, यहाँ पर बहुत ज्यादा तैयारी करके लोग सब आ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन तो यहाँ पर बहुत टफ है, ये चीज आप समझ ही पा रहे होंगे। तो CBT 1 में आप कोशिश करिए कि आप 60 नंबर के ऊपर लेके आए कम से कम, और अपना टारगेट जो है 72 या 73 तक भी रखिए। देखिए इतने भी मार्क्स लोग लेके आते हैं इसमें, ये पेपर कोई ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, लगभग 10वीं क्लास का ही यहाँ पर मैथ्स वगैरह पूछा जाता है, जो कि उतना कोई हार्ड नहीं रहता है। आप अगर अच्छे से वो चीज को कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पर आराम से इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर बात क्वेश्चन की नहीं है कि भाई क्वेश्चन हार्ड है या इजी है, यहाँ पर बात है आपके जल्दी सॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको बहुत कम है। 60 मिनट पर आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है यहाँ पर। तो जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, और ऐसी कुछ तैयारी बनाए रखनी है जिससे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। और नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा आपको बचना जरूरी है, मतलब कि जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है तो आप हो सके तो उसमें ना ही टिक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई वो क्वेश्चन सही हो जाएगा तभी उस आंसर को टिक कीजिए, वरना नहीं करिए। तो ये मेरे तरफ से कुछ सुझाव थे। बाकी CBT 2 में भी आप जानते हैं कि भाई 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ये हल्का सा थोड़ा टफ पेपर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतना भी टफ नहीं रहता है। तो यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया CBT 1 के लिए तैयारी करनी है, वैसी आप CBT 2 के लिए भी तैयारी करते रहिए लगातार। रीजनिंग को और मैथ्स को अपना थोड़ा स्ट्रांग बनाए रखें। ED बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, 1 हफ्ते में आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, तो इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बना सकते हैं। GK यहाँ पर 10 ही क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी भी आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बेसिक साइंस वगैरह भी आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो आपको यहाँ पर ALP बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी कंपटीशन तो टफ होने वाला है, ये चीज यहाँ पर बहुत बड़ी रियलिटी है, तो ये चीज का आप हमेशा से ध्यान रखिए प्लीज। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट आप कैसे बन सकते हैं। बाकी इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट का आखिर काम क्या होता है, मतलब कि ट्रेन चलाने में आखिर इन दोनों का क्या महत्वपूर्ण काम है, फिर उनकी सैलरी कितनी होती है, उनके प्रमोशन कैसे होते हैं, उनका ट्रांसफर कैसा होता है, उनको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं अलग से, कितनी अलग से फैसिलिटीज मिलती है, ये सब कुछ मैं आपको कवर करूंगा अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी आएगा और उसमें मैं आपको लोको पायलट्स के बारे में और थोड़ा सा ज्यादा जानकारी दूंगा। तो अभी फिलहाल आज की वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट आपको कैसे बनना है, पूरी की पूरी मैंने विस्तार से प्रोसेस समझा दी है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी ऐसी एक नई वीडियो में रेलवे की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।